गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एनएफए विद विथ नल ट्रांजिशन टू डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है So, NFA with null to DFA, हमने देखा था नाव टूडे हम डिस्कस करेंगे एनएफए विथ नल टू एन एफ ए विद नल ट्रांजेक्शन ठीक है तो पहले हम देखते हैं एन एफ ए विथ नल टू एन एफ ए विद नल ठीक है देखिए एक डाउट आपका आया था ग्रुप पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड वॉट इज दैट क्वेश्चन आई थिंक इस से यस द डाउट इज दैट इस क्वेश्चन में क्यू थ्री क्यू जीरो टू बी बी टू बी क्यू थ्री क्यू जीरो टू बी इस Q1 Q2 Q4 भी सर्कल करेंगे ना बी क्यू वन क्यू टू क्यू फोर सर्कल करेंगे सो करा तो था हमने इसका डाउट था ये किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या क्यू सर इसमें Q0 Q3 Q0 मर्ज होगा हाँ Q0 Q3 और Q नॉट हाँ क्यू टी क्यू और Q0 और Q2 Q4 और Q1 Q2 तो Q4 टी क्यू हाँ तो थ्री स्टेट्स आ जाएगा ना डीएफए में Q2 Q4 और Q1 Q2, merge. Q2 Q4 मर्ज क्या नहीं Q2 Q4 और Q1 Q2 Q4 मर्ज कैसे होगा देखिए यहां पर आपका क्या दिख रहा है दैट Q3 Q0 और Q3 Q0 क्यू जीरो पे B इनपुट पे जा रहा है सेम सेट में लेकिन A इनपुट पे ये आपका अलग अलग सेट है ना फाइव आपका डिफरेंट सेट है ठीक है क्यू टू क्यों इनपुट पे कहा जा रहा है आपका फाइव पे और वन टू फोर कहा जा रहा है थ्री जीरो पे तो फाइव अलग सेट पे और थ्री जीरो अलग सेट पे क्योंकि थ्री जीरो और क्यू जीरो आपने मर्ज किया है फाइव मर्ज नहीं किया है हर इनपुट पे सेम सेट में जाना चाहिए नॉन दोनों से मतलब नहीं है देखे, 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 हाँ, मैं आपका क्वेश्चन से मतलब नहीं फाइनल में सेट देखना है आपको, एक अलग सेट में, कि फाइनल के दो सेट बन रहे एक सेट बन रहा है आपका दैट इज क्यू जीरो एंड क्यू थ्री क्यू जीरो सेट बन रहा है आपका फाइव ठीक है ये नॉन फाइनल के दो सेट है और फाइनल का एक सेट सॉरी यस नॉन फाइनल के दो सेट है और फाइनल के दो सेट आपके Q2, Q4 एंड Q1, Q2, Q4, ठीक है ये दोनों है. इन दोनों को हम देख रहे मर्ज हो सकता है तो ए इनपुट पे ये 5 पे जा रहा है और ये 30 पर जा रहा है तो 5 और 30 अलग अलग सेट में गॉट इट हमें नॉन फाइनल पे जा रहा है उसके बाद भी देखना है कि वो सेम सेट में है या नहीं समझ में आया क्लियर सर क्लियर ठीक है ये आप एक्चुअली क्या है अभी तक हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना उसमें इस टाइप की कंडीशन कभी बनी नहीं थी इसलिए आपको डाउट नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में बन रही है कि वो नॉन फाइनल पे जा रहा है ठीक है लेकिन वो दोनों नॉन फाइनल ऑलरेडी क्या है अलग-अलग सेट में दैट्स व्हाई वहां पे मर्जिंग नहीं हुई अगर फाइव इसके साथ ही होता तो फिर हम इन दोनों को मर्ज कर देते ठीक है चलिए सो so... डिस्क एफ एथ नल टू एन एफ एथ नीएफ नल आपको इस टाइप पे भी क्वेश्चन आता है कि एनएफे विथ नल ट्रांजेक्शन से एन एफ ए विदाउट नल ट्रांजेक्शन क्या बनेगा आपका ठीक है सो देखिये एनएफ ए विथ नल टू एन एफ ए विदाउट नल डिजाइन करना है यानी कि जस्ट आपको क्या करना है नल ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करना है ठीक है सो इन दिस केस वॉट इज द प्रोसीजर ठीक है सो किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर दिया देखिए डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से करते हैं इसको लाइक like हमें एक ऑटोमेटा जो हमने कल यूज किया था उसी को लेते हैं हम क्यू जीरो जीरो इनपुट नल ट्रांजेक्शन फिर क्यू वन पर वन इनपुट नल ट्रांजेक्शन एंड क्यू टू इज फाइनल विद टू का लूप ठीक है जीरो वन टू थ्री इनपुट्स हैं यहाँ पर गॉट इट इन दिस केस इसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं ठीक है सो नल क्लोजर के करस्पॉन्डिंग अब देखिए अगेन आपको क्या करना है एनएफए एफ विथ नल टू एनएफए विदाउट नल यानी आपको एनएफए की टेबल डिजाइन करनी है ठीक है तो देखिए एन की टेबल आप जब भी बनाएंगे हमें पता है कि वैन वी डिजाइन द एनएफ ए टेबल जब भी आप स्ट्रक्चर से टेबल डिजाइन करते हैं तो आपकी स्टेट जो रहेगी इस डायरेक्शन में ठीक है दैट इज एग्जैक्टली पे आपको Q0, Q1, Q2. ये तीन स्टेट ही लिखना है क्लियर है दैट इज थ्री स्टेट विद द इनपुट इनपुट क्या क्या है आपके जीरो वन टू ठीक है जब भी आप एन एफ ए की टेबल बनाते हैं तो आप जितनी भी स्टेट डायग्राम में दिख रही है वो स्टेट आपको सारी यहाँ पे लिख देना है ठीक है जब हम डीएफए की टेबल बनाते हैं तो हम सिर्फ इनिशियल स्टेट लिखते हैं और जो नई स्टेट इंक्लूड होती जाती है वो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं ठीक है सो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट इतनी कंडीशन में हमें दिख रहा है कि क्यू जीरो इनिशियल क्यू टू इज फाइनल तो ये अभी हमने लिख दिया ना अब हमें क्या करना है क्यू जीरो पे जीरो इनपुट देखिए क्यू जीरो पे जीरो इनपुट के लिए आपको क्या अप्लाई करना है आप डायरेक्टली क्यू जीरो पे जीरो अप्लाई नहीं करेंगे जीरो पे जीरो नहीं देते हो आपको किस पे जीरो इनपुट अप्लाई करना है तो क्यू जीरो so, से नल ट्रांजेक्शन से क्यू वन पे जा रहे हैं फिर उससे नल ट्रांजेक्शन से क्यू टू पे जा रहे हैं तो जीरो वन टू तीनों आ जाएंगे नल क्लोजर में नल क्लोजर ऑफ क्यू वन दैट इज Q1 का नल क्लोजर इज Q1 Q2 ठीक है Q1 से एंड नल क्लोजर ऑफ Q2 टू दैट इज क्यू टू ओनली ठीक है सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट तो अब देखिए किसी भी स्टेट पे अगर आपको इनपुट अप्लाई करना है यू अप्लाई द इनपुट ऑन एनी स्टेट ठीक है सो एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या बनेगा जैसे अगर आप Q0 पे जीरो Q0 पे जीरो अप्लाई करना है ठीक है ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं दैट इज Q0 स्टेट पर जीरो इनपुट तो इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी देखिए Q0 पे पर जीरो इनपुट अप्लाई करना है सो so इक्वेशन आपकी ये बनेगी आपको फर्स्ट क्या लिखना है दैट नल क्लोजर ऑफ देखिए, व्हाट इज दिस नल क्लोजर ठीक है फिर ब्रैकेट ओपन किया आपने ट्रांजिशन ऑफ नल क्लोजर ऑफ क्यू जीरो इनपुट जीरो मीनिंग ऑफ दैट इसका मतलब ये कि सबसे पहले तो क्यू जीरो का नल क्लोजर निकाला और उसपे जीरो इनपुट अप्लाई किया जीरो इनपुट अप्लाई करने से जो आपके ट्रांजेक्शन आउटपुट बन रहे हैं जो स्टेट आ रही है उन सारी स्टेट का नल क्लोजर निकालेंगे यहाँ पर आप क्या लिखिये नल क्लोजर एज इट इज अभी पहले इनर आप सो वॉट इज द नल क्लोजर ऑफ क्यू जीरो तो यहां पे आपने लिख दिया क्यू जीरो स्टेट है नल क्लोजर ऑफ क्यू Q0 Q0, जीरो इनपुट अप्लाई करना है आपको ठीक है सो क्यू जीरो इनपुट अप्लाई करने पे जो स्टेट आएगी आपकी उस स्टेट का फिर से नल क्लोजर निकालेंगे दैट इज द रिजल्ट क्लियर है सो so, नल क्लोजर ऑफ ठीक है आप Q0, Q1, Q2 पर जीरो इनपुट तो देखिए इंडिविजुअल हर स्टेट पे जीरो इनपुट देखना है Q0 पे जीरो कहां जा रहे हैं आप दैट इज Q0 ठीक है q0 पर q1 पर 0 व्हाट इज q1 ठीक है सॉरी q1 पर 0 पे कहीं नहीं जा रहे हैं आप दैट इज द ट्रांजिशन ऑफ 1 q2 पे भी 0 पे कहीं नहीं जा रहे यानी सिर्फ एक स्टेट आई है आपकी दैट इज q0 ओनली ठीक है क्योंकि q0 से 0 ट्रांजिशन सिर्फ q0 पे आ रहा है सो so, इसका नल क्लोजर यानी कि 0 1 2 यानी देखिए एग्जैक्टली exactly हम जैसा DFA में कर रहे थे वही टास्क है आपका यानी कि Q0 पे जीरो इनपुट अप्लाई करना है तो Q0 पे इनपुट अप्लाई नहीं करते हुए पे किस पे अप्लाई करेंगे आप? उसके null पे, और जो output आ रहा है, है, उसका भी null निकाल के आपको लिखना यानी कि इनपुट अप्लाई करने से पहले null निकालना है, और input apply करने के बाद फिर से नल क्लोजर निकालना है क्लियर है सो जो भी आपका आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा यानी आपका क्या आ रहा है दैट इज जीरो वन टू सो ये जीरो वन टू हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज जीरो आफ्टर दैट Q0 पर वन इनपुट ठीक है देखिए Q0 पे वन इनपुट के लिए क्या आएगा अगेन जीरो करना है तो देखिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है नल क्लोजर जीरो वन टू पर वन इनपुट तो डेफिनेटली आप जीरो वन और टू पे वन इनपुट अप्लाई करेंगे तो सिर्फ Q1 आएगा और Q1 का नल क्लोजर क्या आ जाएगा आपका दैट इज Q1 Q2 ठीक है नाउ जीरो वन टू Q0 पे टू इनपुट यानी कि जीरो करना है तो जीरो और वन पे तो टू का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है Q2 पे so, that is Q2 only, Q2 का अप्लाई करेंगे सो दैट इज द्यू टू क्लोजर इज ऑल्सो क्यू टू यानी कि ये जो हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा है फॉर जीरो इनपुट ठीक है वन टू दोनों के लिए आपका यहाँ पे एग्जैक्टली exactly इसी टाइप की इक्वेशन आपको डिजाइन करनी है एंड देन यू एग्जीक्यूट क्लियर है सो एक्टली ये आएगा जीरो वन टू यहाँ वन लिख देंगे तो यहाँ क्यू वन आ जाएगा क्यू वन क्यू टू फिर टू इनपुट के लिए सिर्फ क्यू टू आएगा क्यू टू का नल क्लोजर भी क्यू टू रहेगा सो दैट इज द इक्वेशन फॉर दिस ना इन दिस केस अब आपका क्यू वन पर जीरो इनपुट सो क्यू वन पर जीरो यानी कि आपने क्या लिखा था ट्रांजेक्शन अगर हम लिखे यहाँ पे क्यू वन पर जीरो इनपुट ठीक है सो एग्जैक्टली आपका क्या बनेगा नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ ठीक है That is Q1 with input इनपुट So Q1 क्यू वन का नल क्लोजर इज Q1 Q2 क्यू टू क्यू वन क्यू टू पर नल आप क्या is pe करेंगे That Q1, Q2, आपने input apply kiya किया zero. so kya क्या आएगा आपका five. so null ऑफ of 5 is again 5 Q1, Q2 टू पर जीरो का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो नल क्लोजर ऑफ फाइव ऑल्सो फाइ ठीक है सो यहां पर आपका क्या आने वाला है दैट इज फाइव ओनली ठीक है सो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे यहां पे इसी प्रोसीजर से दैट Q1 से वन इनपुट क्या आने वाला है Q1 पर वन इनपुट ठीक है क्यू वन पे नल क्लोजर यानी Q1 Q2 पे वन इनपुट ओनली Q1 एंड द आउटपुट इज Q1 Q2 यहां पे Q1 Q2 आ जाएगा आपका सेम टू इनपुट के लिए यहां पर क्या आने वाला है दैट इज Q2 क्योंकि Q1 Q2 पर आप टू अप्लाई करेंगे तो Q2 ओनली

Then that state is also final. Clear? आपका यहां पर क्यू जीरो के नल क्लोजर में क्यू टू आ रहा है क्यू वन के नल क्लोजर में क्यू टू आ रहा है और क्यू टू तो ऑलरेडी आपकी फाइनल ही क्यू जीरो फाइनल स्टेट हो जाएगी ठीक है सो दस इफ दल क्लोजर ऑफ स्टेट कंटेन फाइनल स्टेट ठीक है ये फाइनल स्टेट यहाँ पे आ रही है दैट मीन क्यू जीरो इज ऑल्सो फाइनल

नाउ डिजाइन फॉर दिस क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसके लिए डिजाइन करिए एरो इनपुट दैट नल ट्रांजेक्शन बी दैट बी टू सी जीरो एंड वन दैट बी टू सी इज जीरो सी टू बी इज वन ट्रांजेक्शन नल टू डी जीरो कॉमा वन डी इज फाइनल स्टेट हाँ देखिए एनएफ में फाइव नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा करेक्ट कि अगर आप फाइव यहाँ पे इंक्लूड नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है क्योंकि फाइव एज अ ट्रेप स्टेट तो एन एफ में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यू कैन रिमूव दैट यानी कि ये पार्ट आप रिमूव कर सकते हैं यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आपने टेबल के साथ इसको बना भी दिया तो भी वो एन एफ एफ ए नहीं होगा ठीक है तो विदाउट कर सकते ठीक है? तो जनरली हम फाइव इंक्लूड नहीं करें तो क्योंकि आपको क्वेश्चन जो आता है अगर आपसे पूछा है सो विदाउट फाइव स्टेट ही पूछा जाएगा सो जस्ट इग्नोर दिस ठीक है इसके लिए ट्राई करिए आप कौन कौन सी स्टेट फाइनल होने वाली है यहाँ पे ठीक है अगर आपको मतलब प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली विदाउट वो नल क्लोजर का कंसेप्ट नहीं देखते हुए भी आप डायरेक्टली भी डिजाइन करेंगे तो वो बन जाएगा ठीक है दो इनपुट है आपके जीरो और वन टोटल स्टेट हमको पहले ही लिख देना है यहाँ पे ए बी सी डी ठीक है जस्ट यू कैलकुलेट दी नल क्लोजर्स नल क्लोजर्स निकाल लें आप पहले ही ठीक है सो नल क्लोजर ऑफ ए नल क्लोजर ऑफ बी नल क्लोजर फॉर सी एंड नल क्लोजर फॉर डी ठीक है चारों स्टेट का नल क्लोजर हम पहले कैलकुलेट कर ले तो देखिए डेफिनेटली आपका नल क्लोजर किस किस में एक्स्ट्रा स्टेट आएगी जहां से नल ट्रांजैक्शन है तो ए से बी और बी से डी है यानी कि ए के नल क्लोजर में आपका यहाँ पे स्टेट्स आने वाली है दैट इज ए एंड बी एंड डी ठीक है ए बी और डी तीन स्टेट आई बिकॉज ए से बी और बी से डी आप

और बी पर डी पे जीरो इनपुट पे कहा जा रहे हैं आप डी पर यानी कि आपका आउटपुट जो आया है that is A, B ए सी एंड डी ठीक है ए पे जीरो इनपुट पे आप कहा जा रहे हैं ए पे बी पर जीरो इनपुट पे सी पर और डी पर जीरो इनपुट पर डी पर तो ए सी डी इन तीनों के नल क्लोजर ए सी डी के नल क्लोजर मर्ज करना है आपको तो देखिए ए सी डी का नल क्लोजर आपका क्या आएगा दैट ए का नल क्लोजर ए बी डी सी का नल क्लोजर सी और डी का क्लोजर डी यानी कि ए बी सी डी चारो वेरिएबल चारों आपके स्टेट्स आ जाएगी यहाँ पर एबीसीडी गॉट इट सो दैट इज दिस अब देखिए अगर आप यहाँ पर ठीक है ये नल क्लोजर भी नहीं निकाला हमने हम डायरेक्टली भी इसको समझे ए स्टेट पे जीरो इनपुट पे आफ्टर अप्लाइंग इनपुट आप किस किस स्टेट पे मूव कर पा रहे हैं तो देखिए ए पे जीरो इनपुट अप्लाई किया फिर देखिए विदाउट एनी आप कहा जा रहे हैं बी पे जा सकते हैं ठीक है अब बिना इनपुट अप्लाई करे डायरेक्ट भी आप बी पर जा सकते हैं ठीक है यानी बी से जीरो पे कहा गए आप सी पे तो ए बी सी तो आ गया और डेफिनेटली बी के थ्रू डी पे भी नल ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि इनपुट पे आपकी चार स्टेट बनने वाली है टी ठीक है ना ए पर वन इनपुट सो so, देखिए ए पे वन इनपुट तो ए पे डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन नल क्लोजर से आप कहा गए बी पे बी पे वन का ट्रांजेक्शन है क्या नहीं है नल क्लोजर से कहा गए आप डी पे डी पे वन का ट्रांजेक्शन है दैट इज डी ओनली ठीक है सो इन दिस केस हम क्या बोल रहे हैं

ठीक है यानी बी और डी दोनों पे अप्लाई किया हमने तो बी से सी और डी से डी यानी सी और डी जीरो इनपुट अप्लाई करने के बाद क्या आ रहा आपका CD, है आपका सी डी ठीक है एंड सी डी का नल क्लोजर बी सी डी है फिर आपने बी पर वन इनपुट सो बी पे वन का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है दैट ठीक है बी पर वन का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन डी पर वन का लूप रख रहा है बी ओ डी दोनों पे वन अप्लाई करेंगे सो डी ओनली नाउ सी के करस्पॉन्डिंग

ठीक है तो देखिए फोर स्टेट ही हम लिख रहे हैं जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर की स्टेट है वही लिखे आप फाइव इंक्लूड नहीं करेंगे सो so, ए पर जीरो इनपुट पे आप सारी स्टेट पे जा रहे हैं दैट जीरो जीरो एंड जीरो का लूप गॉट इट वन इनपुट पे कहा जा रहे हैं ओनली ऑन डी सो डी पे चले गए आप ठीक है

ठीक है इनपुट आपको स्टेट पे अप्लाई नहीं करना है उसके नल क्लोजर पे अप्लाई करना है ठीक है बस ये ध्यान तो रखें आप नाउ सो बी पर जीरो इनपुट दैट इज सी एंड डी सो जीरो ट्रांजैक्शन एक आपका सी पे चला गया एंड दैट इज ऑन डी और वन इनपुट भी कहां पे जा रहा है आपका डी पे जा रहा है तो कॉमा लगा के वन लिख दिया हमने सी पर जीरो नथिंग सी पर वन बी डी सी पे वन पे कहां जा रहे हैं आप बी पर एंड डीपर और डीपर जीरो और वन दोनों का लूप है ठीक है सो देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहां पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में नंबर ऑफ वेस आपको मिल सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर ही दे दिया दैट इज द ये एनएफए वो चार ऑप्शंस में चार ऑटोमेटा दे दिया कि नल क्या बनेगा सो एन एफ नल आपका एक ऑप्शन ये दिया है है? तो ठीक अब या तो आप ये पूरा प्रोसीजर समझे उसको एक्सेप्ट एक एक हो रही है और चारों ऑप्शन में रन कर दे तो एक स्ट्रिंग से मैक्सिमम दो ऑप्शन तो एट एट रिजेक्ट कर देंगे ठीक है फिर एक और स्ट्रिंग ले तो उससे थर्ड ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा जब आपके पास ऑप्शंस हो सो so, ऑप्शंस के थ्रू हम जाएंगे तो उस केस में हमें जरूरी नहीं है कि हर टाइम पूरा प्रोसीजर यूज करना पड़े ठीक है हो तो सकता है हम ऑप्शन के थ्रू डायरेक्टली रन कर दें लेकिन प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए हमें कि हाउ टू कैलकुलेट नल क्लोजर ठीक है कि एनएफए विद नल टू विदाउट नल कैसे बना रहे हैं हम एनएथ विद नल टू डीएफए पे कैसे जा रहे हैं सो वी शुड नो अबाउट द कंप्लीट प्रोसीजर गॉट इट एक क्वेश्चन यहां पे जो आया हुआ है वो डिस्कस करते हैं हम देखिए विच स्टेट आर नॉट प्रेजेंट इन मिनिमाइज्ड डीएफए of following nfa which is state is not present in minimize dfa of following nfa okay so the structure is s0 state s1 s2 that is s4 s2 s5 s3 s6 and s7 that is the null transaction here is also null transaction that is input a b a

एस वन एस फोर एंड एस सेवन ठीक है दैट इज दिस कौन सी स्टेट प्रेजेंट नहीं होगी आपकी देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए यहां पर हमें पूरा मिनिमाइज डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने एनएफए विद ए नल टू एनएफए विदाउट नल जो ट्रांजेक्शन बनाया है ठीक है उस केस से अगर आप देखें यहां पर तो ये जो आपके स्टेट्स बन रही है ठीक है इस पर्टिकुलर में हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एस जीरो पर आपका नल क्लोजर किसका डिफरेंट आने वाला है एक तो एस का नल क्लोजर अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका दैट इज एस जीरो जब आप नल क्लोजर फाइंड करेंगे किसका सो so का नल क्लोजर आएगा आपका थ्री सिक्स एंड एस सिक्स का एस सिक्स का नल क्लोजर आएगा आपका सिक्स सॉरी थ्री सेवन एंड यहाँ पे सिक्स सेवन ठीक है क्योंकि नल ट्रांजेक्शन यहीं पे दिख रहे हैं आपको ठीक है सो देखिए एस जीरो एस वन एस फोर

इधर हमने यहाँ पे एस फोर ये बना दी और इधर एस फाइव बना दी क्लियर है तो देखिए एस जीरो पर ए इनपुट पे सिर्फ कहा जा रहे हैं आप दैट इज ऑन एस टू ठीक है और एस जीरो पर बी इनपुट यानी कि एस जीरो पर बी इनपुट अप्लाई करना है आपको तो एस जीरो करना है तो सिर्फ एस फोर पे दिख रहा है दैट गोज टू एस फाइव ठीक है तो डायरेक्ट S5 पे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि देखिए S5 और S2 का नल क्लोजर पे आपकी कोई एक्स्ट्रा स्टेट नहीं आएगी सिर्फ इन तीन पे आएगी इसलिए हमने तीन का ही नल क्लोजर लिखा क्लियर है तो देखिए इनिशियल स्टेट से आप कहां पे जा रहे हैं टू और फाइव पे ठीक है टू और फाइव पे गए आप तो वन और फोर आपकी डायरेक्टली यहां पे क्या हो चुकी है अब बाहर हो गई अब वन और फोर के ट्रांजेक्शन आप लिखेंगे भी तो एस वन पे ए इनपुट पे कहा जा रहे हैं एस टू पे और एस फोर पे बी इनपुट पे कहा जा रहे हैं आप एस फाइव पे लेकिन वन और फोर क्या हो चुकी है अब डेड स्टेट और यहाँ पे क्या है आपकी एस सेवन सो देखिए आपने इनपुट अप्लाई किया दैट अब हमने बोला जिसके नल क्लोजर में फाइनल आ रही है वो फाइनल होगी यानी कि यह फाइनल है और ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल है ठीक है एस थ्री एस सिक्स के नल क्लोजर में तो हम रिमूव हो रही है क्योंकि स्टेट नेम यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए तो थ्री फोर सेवन तो आ चुकी है आपकी यानी किस एस वन एस फोर तो आ चुका है ठीक है एस वन एस फोर तो आ गया सेवन के लिए चेक कर रहे हैं हम किस सेवन भी रिमूव होगी सो अकॉर्डिंग टू दैट

क्योंकि बी इनपुट अप्लाई करने पे सेम यहाँ पे लूप तो लगेगा ही आपका बी का और इधर ए का ठीक है क्योंकि ए के ट्रांजेक्शन ये ठीक है ए और बी के लूप एज इट इज ये जो इनपुट है ये रहेंगे आपके एक्स्ट्रा जो मूवमेंट था आपका के नल के थ्रू आप यहाँ जा सकते हैं यहाँ पे आप पूरा बनाएंगे तो यही बनने वाला है आपका क्लियर है सो देखिए इस पर्टिकुलर फाइनल स्टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें आप जब मिनिमाइजेशन करेंगे तो ये फाइनल आपको क्लियरली दिख रही है कि देर इज नॉट नीड क्योंकि जब S2 से A इनपुट पे ये एक्सेप्ट हो गया और B इनपुट पे यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया सो एस सेवन आपकी डायरेक्टली क्या हो रही है क्योंकि हम एक्चुअली मिनिमाइजेशन करेंगे तो स्टेट क्या होगी आपकी मर्ज हो जाएगी ठीक है अगर हमने मिनिमाइजेशन किया तो स्टेट क्या होगी मर्ज होगी सो मर्जिंग पे आपका रीनेम हो जाएगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि, कि किस स्टेट को आपने अब ऑप्शन में उसने स्टेट ही कौन सी लिखी है

सो एस फोर आपकी यहां पर रिमूव हो जाएगी एंड दैट इज दब सेवन को हमने रिमूव क्यों किया है क्योंकि मिनिमाइज डीएफए में ये हंड्रेड परसेंट मर्ज होगी आपकी ठीक है आप जब मिनिमाइज डीएफए निकालेंगे तो ये स्टेट आपकी क्या हो जाएगी डेफिनेटली रिमूव होगी क्योंकि एस टू पर ए इनपुट पे यहां भी जा रहे हैं आप और यहां पे भी जा रहे हैं सो so, इस पे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके दो ट्रांजेक्शन इस स्टेट के साथ चल रहे हैं So बनेगी आपकी आपकी बन जाएगी 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 यानी कि seven already क्या हो जाएगी? Merge हो जाएगी आपकी three और इसलिए हमने किया प्रोसीजर। अब देखिए इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है सो दैर इज वन मोर प्रोसीजर ठीक है उससे आप कोई भी एनएफए विदाउट नल टू एन एफ ए डिजाइन कर सकते हैं लाइक द प्रोसीजर इज दिस देखिए कोई भी आपको अगर एक स्टेट से

इन में कोई चेंजेस नहीं है दिस ठीक है और ये तीनों ट्रांजेक्शन यहां से भी बना देंगे आप ए बी एंड सी क्लियर है और अगर ये फाइनल स्टेट है यानी तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी फाइनल हो जाएगी इफ इट इज फाइनल देन इस स्टेट को भी क्या कर देंगे हम फाइनल जिससे नल ट्रांजेक्शन आ रहा है क्लियर है यानी सिंपल प्रोसीजर अगर मैं यहां पे लिखूं कि वी वन से वी टू अगर एक नल ट्रांजेक्शन है आपका ठीक है तो रिमूव दैट नल ट्रांजेक्शन ठीक है नल ट्रांजेक्शन रिमूव कर देंगे आप एंड मेक ऑल ट्रांजेक्शन मेक ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ वी टू फ्रॉम वी वन ऑल्सो सारे ट्रांजिशन जो वी टू के वो वी वन से भी बना दे आप and if v2 is final then v1 is also final. v2 is final then v1 is also final. clear hai है अगर v2 final hai aapki है आपकी तो kya ho भी क्या हो जाएगी That is the final state clear hai to है तो देखिए ये जो लॉजिक है दो पॉइंट याद रखना है आपको कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर नल ट्रांजेक्शन जा रहा है सो उस नल को रिमूव कर दिया आपने और जिस स्टेट पे वो जा रहा था उसके सारे ट्रांजिशन उस पर्टिकुलर वी वन स्टेट से भी डिजाइन कर देने आपको ऑल्सो का मतलब क्या हुआ ठीक है ट्रांजिशन ऑफ वीटू फ्रॉम वी वन ऑल्सो यानी कि आपको वीटू के ट्रांजिशन में कोई चेंजेस नहीं करना है नहीं वी वन वीटू को मर्ज नहीं करना है देखिए दैट इज डिफरेंट प्रोसीजर वी वन वीटू को मर्ज नहीं करना है आपको क्लियर है यहां पे हम जस्ट क्या बोल रहे हैं कि मेक ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ वीटू फ्रॉम वी वन ऑल्सो ठीक है ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं नल को रिमूव करने का प्रोसीजर कर रहे हैं हम मिनिमाइज डीएफए पे नहीं जा रहे क्योंकि आप मिनिमाइज डीएफए बनाएंगे तो कोई भी मैथड यूज फाइनल रिजल्ट सेम ही आने वाला है लेकिन जो क्वेश्चन पे आया है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैं प्रोसीजर बता रहा हूं आपको ठीक है सो दैट इज दिस इज फाइनल देन इज फाइनल क्लियर है अब देखिए इस क्वेश्चन पे वापस समझते हैं हम यहाँ पे हमने बोला कि एस जीरो से एस वन नल ट्रांजेक्शन है क्लियर है तो आप क्या कर देंगे इस नल ट्रांजेक्शन को रिमूव कर दिया और एस वन के जितने रिमूव तो से, से तो तो कर दिया this, फिर आपने क्या बोला एस फोर से बी पे कहा जा रहे हैं आप एस फाइव पे तो एस जीरो से बी पे कहा चले जाएंगे आप एस फाइव पे क्लियर है आप ओरिजिनल इनको चेंज नहीं किया

डाउट है क्या इसमें कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन रिमूव किए हमने नल ट्रांजेक्शन ये आपका एन एफ ए टू ए विदाउट नल बनाया हमने ठीक है सो so आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं दैट इज दिस टू लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि दैट इज द डायरेक्ट वे बहुत सी बार क्या होता है कि आपको जब जो फाइनल रिजल्ट आता है यस yes, को मर्ज किया है exactly, है क्वेश्चन वही लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में जो स्टेप रिमूव करने का एस वन एस फोर रिमूव है, तो S1, है? लेकिन जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि वन फोर और सेवन जो है वो डायरेक्टली आपको रिमूव होती हुई दिख रही है टू फाइव वन एस जीरो एस थ्री एस सिक्स उस केस में मर्जिंग होके रीनेम हो रही है S0, S1, S4 को rename करके आप आप आप, आप पूरा फिर से से क्या हैं है? है? है जाना पड़ेगा ऐसे दिए तो उस केस में आप किस तरीके करेंगे? So, ठीक इस का ये ये जो आप ये step clear है दोनों ठीक है देखिए दैट इज अ फास्ट वे इस तरीके से आप किसी भी एनएफए के नल ट्रांजेक्शन रिमूव कर सकते हैं ठीक है ओके सो दैट इज द नल रिमूवल ठीक है ये देखा हमने ना देखिए एक पॉइंट आप याद रखें कि हमने यहां पे कन्वर्जन किस टाइप से पढ़े थे वॉट इज द रिलेशन बिटवीन डीएफए ठीक है, नल एन एफ एंड एन एफ अगर आपके पास एन एफ नल ट्रांजेक्शन दिया है सो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू डीएफए यानी यहां से यहां पे जा सकते हैं आप या फिर यू कैन गो नल एन एफ ए टू एन एफ ए नल ठीक है एंड फ्रॉम दिस एनएफए यू कैन गो टू डीएफए द रिलेशन ठीक है यानी कितने टाइप के डायरेक्शन पॉसिबल है नल एन एफ ए से आप डायरेक्ट डीएफए पे जा सकते हैं नल एन एफ ए से आप विदाउट नल एन एफ ए पे जा सकते हैं एंड देन यू कैन गो टू गॉट इट सो दैट इज कन्वर्जन वे किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट कन्वर्जन ठीक है चलिए अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है यहां पे एल इक्वल्स टू ए टू एन एन इज इवन और डिविजिबल बाय थ्री एन इज इवन और डिविजिबल बाय थ्री ठीक है हाउ मेनी स्टेट रिक्वायर्ड इन मिनिमाइज डीएफए ठीक है इसका DFA में कितनी स्टेट लगेगी आपकी या जस्ट आप कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे क्या बोला आपको कि जो है वो क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए या फिर थ्री से डिविजिबल होना चाहिए दोनों में से एक भी कंडीशन और का मतलब क्या होता है दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है देन इन दैट केस इट इज करेक्ट

कितनी स्टेट लगेगी सिर्फ इवन नंबर ऑफ एस के लिए कितनी स्टेट लगेगी ठीक है इवन नंबर ऑफ एस के लिए कितनी लगेगी टू स्टेट देखिए अगर मैंने इनिशियल स्टेट को डेफिनेटली इवन की बात कर रहे हैं हम सो नल भी एक्सेप्ट होगा फिर सिंगल ए reject double a accept third a reject fourth accept five reject six accept सारे इवन नंबर ऑफ a एक्सेप्ट हो रहे हैं आपके n की वैल्यू 2 4 6 8 वाली स्ट्रिंग्स यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही गॉट इट सो इवन नंबर ऑफ a का स्ट्रक्चर आपने बना दिया अच्छा डिविजिबल बाय 3 के लिए के क्या बनेगा आपका सिर्फ डिविजिबल बाय 3 के लिए यानी कि 3 के मल्टीपल में a आने चाहिए 3 a आ सकते हैं 6 a आएंगे 9 a आएंगे फिर 12 एंड सो ऑन कैसे बनाएंगे इसका पैटर्न कितनी स्टेट लगेगी थ्री स्टेट करेक्ट ठीक है क्योंकि देखिए डिविजिबल बाय थ्री बोला है तो इस केस में भी आपका नल तो एक्सेप्ट होगा नल तो एक्सेप्ट हो जाएगा आपका यानी आपने बोला इनिशियल स्टेट फाइनल सिंगल ए रिजेक्ट डबल ए रिजेक्ट थर्ड ए इज एक्सेप्ट ठीक है फिर फोर्थ रिजेक्ट फाइव रिजेक्ट सिक्स एक्सेप्ट सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यानी हर थ्री के मल्टीपल वाला काउंट कहां पे एंड हो रहा है आपका इनिशियल पे तो ये दो अलग अलग बना दी अब हमने क्या बोला या तो इस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो या फिर इस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो ठीक है सो so, आप क्या कर देंगे एक इनिशियल स्टेट बनाई आपने दैट इज दस और उससे इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि और वाली कंडीशन है आपकी ठीक है देखिए हम हम इसको ही जस्ट हमने यहां पर लॉजिक इस टाइप की लैंग्वेज का क्यों देखा है क्योंकि हम नल का कंसेप्ट देख रहे हैं अब दोनों को ऐड कर दिया तो व्हाट टाइप ऑफ इनपुट वी यूज हियर सो डेफिनेटली यू कैन यूज नल ट्रांजेक्शन नल ट्रांजेक्शन आप यहां पे यूज कर सकते हैं तो दैट इज स्ट्रक्चर

स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो आप क्या करें सबके लिए इंडिविजुअल डिजाइन करें और इनिशियल एक स्टेट अलग बना के उससे नल ट्रांजेक्शन क्या कर दें आप ट्रांसफर कर दें नाउ देर इज अ प्रोसीजर ये अभी हमने ऊपर लिखा इस नल एनएफए से आप डायरेक्ट डीएफए पे या एनएफए पे जा सकते हैं और फिर डीएफए पे देयर आर डिफरेंट वेज गॉट इट सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट वे क्लियर है देखिए यहां पर आप

ये जो मैं बता रहा हूँ फिर हमने बोल दिया थ्री के मल्टीपल चाहिए आपको ठीक है सो फर्स्ट ए या तो आप इसके साथ ग्रो कर सकते हैं या फिर इधर से अलग ही बना दे फर्स्ट ए सेकेंड ए ठीक है और थर्ड ए पे यहाँ पे आ गया so तो देखिए इस डायरेक्शन में गए तो थ्री के मल्टीपल वाले आएंगे और इस डायरेक्शन में गए तो आपके इवन नंबर ऑफ एज आएंगे तो ये विदाउट नल बना दिया आपने डायरेक्ट ठीक है

सिंगल ए डबल ए एक्सेप्ट ठीक है फिर हमने बोल दिया देखिए अब ए के दो मूवमेंट है यहाँ पे एक से इधर भी जा रहे इधर भी जा रहे तो डेफिनेटली एन एफ ए बन रहा है अभी आपका तो वन ए टू एक्सेप्ट फिर हमने यहाँ पे बोला वन टू थ्री एक्सेप्ट फिर हम क्या बोल रहे हैं कि आपका सिक्स भी एक्सेप्ट होना चाहिए तो इस ए का मोमेंट यहां पे भेज दिया आपने ठीक है सो इफ यू ट्रेवल दिस वन टू थ्री ए एंड यहां पर नहीं भेज सकते हम दैट इज नॉट ट्रू क्योंकि आप वहां जाएंगे तो आपका फाइव भी एक्सेप्ट हो जाएगा जैसे हम यहां पे गए फोर ए के साथ क्योंकि देखिये थ्री काउंट यहां से आप डिजाइन कर रहे सो वन टू थ्री फिर आप फोर फाइव सिक्स ठीक है? करेक्ट ठीक है बताइए कैसे होगा सिंगल ए में जिसने अभी बोला था कि यस इट इज पॉसिबल इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन सिंगल स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है क्या देखिए वोसी बार हम क्या है यहां पर हमने बोला दैट इज इवन ए ठीक है फिर 1 2 3 थर्ड का मल्टीपल एक्सेप्ट हो गया ठीक है अब यहां पर आप अगर इसी स्टेट पे रोटेट कर देंगे तो ये साइकिल पे वो क्या हो जाएगा कवर कर लेगा ठीक है सो दैट इज 1 2 इवन नंबर ऑफ एस हो गए फिर हमने बोला 1 2 3 एक्सेप्ट ठीक है अब इस केस में आप क्या करें एक नई स्टेट ले ले दैट इज 4 ठीक है फिर हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर दे दैट इज दिस सो 1 2 ठीक है वन टू थ्री फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आ गया और इधर टू के मल्टीपल चलते रहेंगे सो so, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर आपको बहुत सी तरीके का दिखने को मिल सकता है ठीक है लेकिन जब इन सबको आप फाइनल मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्ट करेंगे सो आंसर सबका सेम आने वाला है गॉट इट सो अभी क्या है कि इस बार एमएस क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको ये लैंग्वेज लिखी है और इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से फर्स्ट ऑटोमेटा ये दे दिया आपको सेकेंड ये दे दिया थर्ड ये दे दिया ठीक है है और पूछा कि ऑफ इज़ मल्टीपल ऑप्शन क्या सर थर्ड स्टेट से अगर फर्स्ट सर थर्ड स्टेट से अगर फर्स्ट फर्स्ट पे हा yes, हा हाँ, समझ गया 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 समझ 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 गया फर्स्ट सेकेंड दिस एंड दिस ये बोल रहे हो आप वन टू ठीक है फिर आपका यहां पर आएगा दैट इज फोर फाइव सिक्स करेक्ट है दर इज नॉट इश्यू हम यहां पे देख रहे जस्ट रॉन्ग स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव रॉन्ग हो रही है ना देखिए वन टू थ्री थ्री एक्सेप्ट हो गया फिर इसको फोर और फाइव फाइव ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा इट, हो रहा है फाइव ए कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, यहां पर गए सिंगल ए सेकेंड ए थर्ड ए से यहां पे आया फिर फोर्थ ए से इस स्टेट पे गए और फिफ्थ ए से फाइन वापस इनिशियल क्योंकि आपने क्या किया दोनों के काउंट को एक जगह एंड कर दिया तो वो थ्री प्लस टू यानी कि हम टू का मल्टीपल और थ्री का मल्टीपल देख रहे थ्री प्लस टू फाइव वाले भी स्ट्रिंग क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा दोनों के सम वाला भी ले लेगा गॉट इट, सो ये करेक्ट नहीं है ठीक है फोर ए कैसे होंगे होंगे कहां पर इस पर्टिकुलर ऑटोमेटम तो हो रहे हैं ना वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखिए एक इनपुट आपका अगर रिजेक्ट हो रहा है और किसी और डायरेक्शन से एक्सेप्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट वाला कंसिडर करेंगे ठीक है जैसे आप कोई भी ऑटोमेटम जैसे आपने यहां पर रीड किया वन फिर टू ठीक है फिर थ्री और फोर बोलिए यहां पे एंड हो रहा है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है लेकिन इस डायरेक्शन से तो एक्सेप्ट हो जाएगा ये वन टू थ्री फोर ठीक है इससे तो एक्सेप्ट हो जाएगा ये गॉट इट सो आपका एक इनपुट मान लीजिए आपने रन किया जो करेक्ट स्ट्रिंग है वो अगर चार अलग अलग स्टेट पे एंड हो रही है और उसमें से एक फाइनल है सो हम क्या बोलेंगे दैट इज एक्सेप्टिंग लेकिन अगर वो चारों नॉन फाइनल स्टेट पे एंड हो रही है यानी कि वो रॉन्ग ऑटोमेटा है अब जैसे ये रॉन्ग स्ट्रिंग आपकी फाइनल स्टेट पे एंड हो रही है

देखिए 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 फर्स्ट ए फर्स्ट ए से यहाँ पे गया मैं फिर सेकेंड ए से यहाँ गया थर्ड ए से यहाँ पे गया फोर्थ से यहाँ पे और फिफ्थ से यहां पे करेक्ट ओके सर Final फाइनल पे एंड फाइव इनपुट फाइनल पे एंड हो गया मतलब गलत है। आपका एक राइट right इनपुट चार स्टेट पे एंड हो रहा है और उसमें से एक फाइनल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रॉन्ग इनपुट फाइनल पे एंड नहीं होना चाहिए अब आप ऐसे भी काउंट करके बोल देंगे कि सर देखिए मतलब नहीं है एक डायरेक्शन में तो एंड हो गया वो को कर रहा है ठीक है अभी देखिए कोई भी स्ट्रक्चर हमने डीएफए नहीं बनाया है नो वन इज मिनिमाइज डीएफए ठीक है ये सारे एन एफ ए बनाए हैं मिनिमाइज आप बना सकते हैं यू कैन कन्वर्ट दैट किसी ने ट्राई किया है मिनिमाइज ठीक है ये जो एनएफए चलिए देखिए मैंने जो यहाँ पे एनएफए बनाया दैट इज दिस एंड दिस इसके लिए आप मिनिमाइज्ड डीएफए ट्राई करना और कितनी स्टेट में बन रहा है बताना ठीक है तो फिर हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे फिर से क्लियर है क्योंकि कन्वर्जन में कोई प्रोसीजर अब नहीं है ऑलरेडी हम क्वेश्चंस किए हैं कन्वर्जन कैसे करना है आपको ठीक है गॉट इट बड़े आ क्लियर है क्वेश्चन ओके okay. आप इसका मिनिमाइज डीएफए बनाना फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी आर देयर चलिए सो हमने यहां पर देखा दैट विथ नल टू एनएफए विदाउट नल ठीक है ये किया हमने ना अब अगर आपको कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है ठीक है चलिए उससे पहले हम एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं हमने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा था ठीक है इफ नंबर ऑफ ए ठीक है इज डिविजिबल बाय एम एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय एन देन टोटल स्टेट कितनी लिखी थी हमने इज़ क्रॉस एन ठीक है इज़ इज़ क्रॉस एंड नंबर ऑफ़ फाइनल स्टेट ऑलवेज़ टू ठीक है क्यों क्योंकि आपका ऑपरेशन कौन सा लग रहा है एंड ऑपरेशन ठीक है यानी ए और बी दोनों का डिविजिबल होना जरूरी है ठीक है एम से और एन से सो so, उसके बोल रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन आपने इस टाइप से लिखा ठीक है कि टोटल स्टेट क्रॉस जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दोनों के रिमाइंडर के प्लस उन दोनों का रिमाइंडर जब जीरो होगा वो फाइनल स्टेट हो जाएगी ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके मान लीजिए आपका स्टेटमेंट लिखा है इफ नंबर ऑफ ए ठीक है ये नहीं लिख पाए थे हम उस दिन नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय एम और नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय एन देन अब देखिए क्या लगा दिया हमने ऑपरेशन और ऑपरेशन पहले हमने क्या लगाया था एंड ठीक है सो टोटल स्टेट कितनी होगी एंड नंबर ऑफ फाइनल स्टेट कितनी होगी देखिए अगेन मान लीजिए हम टू क्रॉस टू का देखते हैं कि ए इज डिविजिबल बाय टू एंड बी इज आल्सो डिविजिबल बाय टू ए और बी दोनों को टू के डिविजिबल तो अगेन आपके टोटल स्टेट का मतलब क्या था आपका कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे तो टोटल स्टेट में कोई चेंजेस आएगा क्या अरे किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो वही रहना है जीरो वन और इसके लिए भी जीरो वन ही रहेंगे सो so, टोटल तो चार स्टेट बननी है आपकी जीरो पहले हमने बोला था ए और बी बोथ आर डिविजिबल बाय टू ठीक है यानी इज डिविजिबल बाय टू एंड इज डिविजिबल बाय टू तो उस केस में हम क्या बोलते थे कि दोनों जहां पे डिविजिबल हो रहे हैं वो फाइनल स्टेट यानी कि ये फाइनल स्टेट थी लेकिन अभी दोनों में से एक भी अगर टू से डिविजिबल है तो फाइनल तो कितनी फाइनल दिख रही है यहाँ पे हमें इन चार स्टेट में कौन-कौन सी फाइनल है फर्स्ट सेकंड थर्ड यस जहां पे ए भी डिविजिबल हो या फिर बी भी डिविजिबल हो सो so ये बीए यहां पे ए डिविजिबल है और यहां पे बी डिविजिबल है तो टोटल तो थ्री फाइनल स्टेट बन रही है जीरो 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 वन वन जीरो यानी किसी भी स्टेट में जहां जीरो दिख रहा है दैट इज अ फाइनल गॉट इट सो तीन फाइनल स्टेट है तो देखिए आपका टोटल स्टेट का फॉर्मूला तो सेम है दैट इज एम क्रॉस एन नंबर ऑफ फाइनल स्टेट क्या होगी क्या लॉजिक बनेगा यहां पर इधर टू और टू के लिए आपने थ्री निकाली ठीक है चलिए थ्री क्रॉस थ्री का देखते हैं थ्री क्रॉस थ्री में कितनी स्टेट बनेगी जीरो 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 वन जीरो टू फाइनल है इसमें ठीक है टोटल फाइनल और वाली कंडीशन है तो जहां जहां जीरो दिख रहा है ये थ्री क्रॉस थ्री का देख रहे हैं हम ठीक है टू थ्री फोर फाइव कितनी फाइनल आई? तो है so, बनेगी. तो so, तो सेम रहेगी हमेशा चाहे और कंडीशन लगी हो या एंड कंडीशन लगी बट नंबर ऑफ फाइनल बढ़ रही है आपकी सो so, क्या लॉजिक है यहाँ पे टू और टू था तो थ्री आ रही है यहाँ पे थ्री थ्री है तो कितनी आ रही है आपकी दैट इज फाइव यस सो इज एम प्लस एन माइनस वन ठीक है ठीक है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं अगर और वाली कंडीशन है तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है एम प्लस एन माइनस वन तो टू प्लस टू फोर माइनस वन इज थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस वन इज फाइव तो फाइव फाइनल स्टेट दिख रही है तो अब एम और एन की कोई भी वैल्यू हो दोनों को एड करना है माइनस वन कर देना है that's it so that will be the right answer देखिए ना देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन यानी एक ऑटोमेटा दिया है उससे एक्सप्रेशन कैसे डिजाइन कर सकते हैं That is the question. So, there are two दो मैथड होती है यहां पर रेग्यूलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा यानी किसी भी टाइप का हो सकता हो चाहे एन एफ एफ ए आपको उसके करस्पॉन्डिंग अगर एक एक्सप्रेशन जनरेट करना है सो वॉट इज द प्रोसीजर सो देर आर टू मैथडर्ट वन इज पहली मैथड होती है आपकी दैट इज एड थियोरम एडंस थियोरम ठीक है दैट इज अ थ्योरम इसके थ्रू आप जनरेट करेंगे एंड सेकेंड दैट इज स्टेट एलिमिनेशन स्टेट एलिमिनेशन मैथड ठीक है फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए दो टेक्निक है आपकी द फर्स्ट वन इज एडल्स थ्योरम एंड सेकेंड वन इज स्टेट एलिमिनेशन मैथड ठीक है सो so, इन दोनों में जो इजी है दैट इज द स्टेट एलिमिनेशन मेथड ठीक है और फर्स्ट जो है आपका एडम्स थ्योरम यानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट देखिए एट द एंड आपको थ्योरम हम दोनों डिस्कस करेंगे ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक ऑटोमेटा और चार रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हैं ऑप्शंस में और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सो so, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हम ट्राई क्या करेंगे ऑटोमेटा से एक स्ट्रिंग लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से एक स्ट्रिंग लेंगे यानी कि ऑटोमेटा से स्ट्रिंग अगर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट हो रही है तो वो करेक्ट हो सकता है अगर नहीं हो रही है तो रिजेक्ट हो जाएगा यानी ट्राई हम किस से करेंगे डायरेक्ट वे विथ ऑप्शन टू ऑटोमेटा ठीक है लेकिन प्रोसीजर्स जो है आपके ठीक है बहुत से ऑटोमेटा ऐसे होते हैं कि जिसमें यानी मान लीजिए आपको नन ऑफ दिस ही दे दिया एक ऑप्शन और आप श्योर नहीं हो पा रहे कि राइट आंसर क्या है सो so, उस केस में आप मेथड पे अप्लाई कर सकते हैं सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट वन इज एडम्स थ्योरम एडम्स थ्योरम में क्या लॉजिक होता है देखिए द फर्स्ट एडम्स थ्योरम देखते हैं ठीक है एडम्स थ्योरम में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वी यूज द फॉर्मूला एडम्स फॉर्मूला आपका एक होता है लाइक like दैट जस्ट पहले आप फॉर्मूला यहां पे लिख ले, इफ आर इज इक्व टू क्यू प्लस आर पी ठीक है आर इक्व टू क्यू प्लस आर पी दे वी कैन राइट आर इक्व टू क्यू पी स्टार ठीक है देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्या मतलब है इस फॉर्मूले का वेर आर इज आर क्या है आपका आर इज स्टेट एंड क्यू एंड पी इज द एनी रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है आर क्या है आपका दैट इज स्टेट ठीक है एंड क्यू एंड पी इज रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है आर एक स्टेट है क्यू और पी क्या है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये इक्वेशन कैसे जनरेट अगर मान लीजिए आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन है तो यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू दिस ठीक है इस इक्वेशन को आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं अब ये इक्वेशन जनरेट कैसे होगी ठीक है तो वो आपका ऑटोमेटा से ठीक है यानी आपको क्या करना है हर एक ऑटोमेटा की हर एक स्टेट के लिए एक इक्वेशन लिखनी है सो so, देखिए जस्ट एक पॉइंट आप यह पहले लिख सकते हैं डिजाइन Equation for each state of automata. Design equation for each state of automata and add null with initial state. ठीक है देखिए ये पॉइंट हमने इसलिए लिखा दैट शुड एड विद नल विद इनिशियल स्टेट ये पॉइंट हमें याद रखना है ठीक है अब देखिए हम समझते हैं इसको से किस तरीके से बनेगा आपका मान लीजिए आपको एक डायग्राम दिया है दैट इज दिस ए वन ठीक है दैट इज जीरो वन जीरो वन एक इक्वेशन बनानी जनरेट करना है आपको की equation, की और सी की तीनों की इक्वेशन बनाना है तो ए बी सी से जो एक्सप्रेशन आपके एक्सेप्ट होने वाले यानी ए स्टेट से जो एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होगा बी से जो एक्सेप्ट होगा और सी से जो एक्सेप्ट होगा वो तीनों एक्सप्रेशन आप निकालेंगे और फाइनल आंसर क्या होगा आपका जि, जिस भी स्टेट को आपने फाइनल एज्यूम किया है उन सारी स्टेट के एक्सप्रेशन को एड कर देना है ठीक है इसके बाद आप क्या लिखेंगे फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ईच स्टेट एंड एड फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ईच स्टेट या फिर आप डायरेक्टली ये लिखें फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ठीक है? क्योंकि final state का expression ही हमें चाहिए। Find expression of final state and add them. अब हाउ टू राइट हम यहां पे क्या लिख रहे हैं का ठीक है? फिर उस स्टेट पे जिस जिस स्टेट से इनपुट आ रहे हैं इनकमिंग इनपुट ठीक है यानी एक पे कितने इनकमिंग इनपुट आपके देखिए ए पे एक ही इनपुट आ रहा है दैट विद स्टेट ए ओनली यानी ए से जीरो का ट्रांजेक्शन ए पे जा रहा है तो ए पे एक ही इनकम इनपुट है आपका दैट इज ए ओन जीरो ठीक है सो स्टेट ए की इक्वेशन में आपने स्टेट का नेम लिखा और जहां से इनपुट आ रहा है वो इनपुट लिख दिया तो ए इक्वल ए जीरो ठीक है इनिशियल स्टेट के साथ आपको क्या ऐड करना है नल प्लस नल ट्रांजेक्शन ये ऐड कर दिया आपने गॉट इट नाउ बी का इक्वेशन सो बी पे इनपुट कहां, कहां से आ रहा है तो देखिए तो so so क्या नहीं आ रहा है यहां पे कोई नल वल एड नहीं करना है मैं सिर्फ इनिशियल स्टेट के साथ नल एड करना है क्लियर है सो so इनिशियल से नल एड कर दिए ए पे दो, ट्रांजे... दो ट्रांजेक्श्रांजेक्शन थे एक ए के थ्रू और एक बी के थ्रू तो पहले स्टेट का नेम फिर जो इनपुट है वो स्टेट का नेम प्लस इनपुट जैसा आपने यहां पे लिखा है स्टेट और एक्सप्रेशन यानी कि वो इनपुट का फॉर्मेट है सी की इक्वेशन ठीक है सी पे क्या आ रहा है वन so दोनों सी के थ्रू आ रहे हैं तो सी जीरो प्लस सी वन ठीक है टोटल तीन इनपुट है आपके जीरो वन एंड जीरो क्लियर है ना अब देखिए इन दिस केस आप ये फॉर्मूला किस इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है स्टेट स्टेट का नेम फिर कोई एक्सप्रेशन प्लस क्यू दैट इज तो डायरेक्टली यहां पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ये जो इक्वेशन है यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दिस ठीक है क्या इक्वेशन आपकी ए ए प्लस नल ठीक है सो वॉट इज ए को आर बोल दिया आपने दैट इज द स्टेट नेम फिर आर के पास जो लिखा है दैट इज पी

ठीक है ये आपका पूरा क्या कहलाएगा दैट इज क्यू दर एंड पी क्लियर है तो देखिए बन रहा है, सो so अगेन इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे यानी तो एक्सप्रेशन फॉर बी अब देखिए सी का कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको क्योंकि एक्चुअली हम जो नॉन फाइनल स्टेट है ठीक है उसको कब सॉल्व करेंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट कहीं यहाँ पे यूज हो रही होती है यानी कि आपका सी से कहीं इनपुट ए या बी पे आ रहा होता तो वो सी अननोन रहता तो आपको सी को रिजोल्व करके उसकी वैल्यू वहां पे पुट करनी रहती बट जब ए और बी में सी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सी क्या है आपकी ट्रैप स्टेट है यानी उसके एक्सप्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है so, आपको क्लियर है सो आपको जस्ट क्या करना है ए और बी के एक्सप्रेशन को एड कर देना है ए प्लस बी तो ए का एक्सप्रेशन क्या है जीरो स्टार प्लस बी का एक्सप्रेशन है जीरो स्टार वन वन स्टार दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ दिस हो सकता है ऑप्शन में आपको एक्सक्टली exactly ये दिया हो या फिर इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं देखिए जीरो स्टार अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे तो जीरो स्टार कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर दैट इज नल अब देखिये वन नहीं लिख देना है जैसा नॉर्मली हम कॉमन लेते हैं तो वन लिख देते हैं वन इज अनपुट ठीक है और वन की जगह हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे दैट इज नल आइडेंटिटी तो नल डॉट जीरो स्टार फिर से जीरो स्टार हो जाएगा प्लस यहाँ पे बचा आपका वन वन स्टार तो नल प्लस वन वन स्टार यानी नल प्लस आर आर स्टार इज इक्विवेलेंट टू आर स्टार आइडेंटिटी रूल यानी जीरो स्टार वन स्टार दैट इज द एक्सप्रेशन दैट इज द फाइनल रिजल्ट ये शॉर्ट हो गया आपका जीरो स्टार वन स्टार पहले जीरो स्टार कॉमन लिया नल प्लस वन स्टार को आपने रिप्लेस कर दिया किससे वन स्टार से गॉट इट चलिए अच्छा बताइए सी की इक्वेशन क्या बनेगी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है बट आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपको एक ऑटोमेटा दे दिया स्टेट ठीक है या एडन थ्योरम पे आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरम के ऊपर पूछ लिया इक्वेशन so, सी की क्या बनेगी सी की इक्वेशन के लिए आपको एक अनो ने बी पहले इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है आपको उसके लिए पहले बी का एक्सप्रेशन यहां पुट करना पड़ेगा आपको ठीक है यू कैन टेक कॉमन सी फ्रॉम दिस टू बी जीरो प्लस सी कॉमन ले लिया हमने जीरो प्लस वन ठीक है बी पे पहले ये पुट करेंगे हम दस कंप्लीट तो ये पूरा क्यू बनेगा आपका कैपिटल क्यू और ये पी बन जाएगा आपका तो क्यू पी स्टार बन जाएगा ठीक है देखिए यहां पे लिखता हूं मैं इधर बी इक्वल टू क्या है आपका बी जीरो प्लस सी कॉमन जीरो प्लस वन बी का एक्सप्रेशन क्या लिखा हमने जीरो स्टार वन वन स्टार तो यहाँ पे आपने लिख दिया दैट इज इक्वेशन ऑफ सी जीरो स्टार वन वन स्टार ठीक है ये इस बी की प्लेस पे रख दिया एंड जीरो प्लस सी जीरो प्लस वन ठीक है सी इक्व टू दिस तो ये आपका पूरा क्या क्या लाएगा दू दैट इज पी ठीक है सो क्यू पी स्टार to Q, Q is zero star one, one star zero, P star zero plus one whole star. That is the expression of C. got it? उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें यहाँ पर but C का एक्सप्रेशन ये बनेगा जीरो स्टार वन वन स्टार जीरो जीरो प्लस वन ऑल स्टार क्लियर है सबको किस तरीके से एडंस जो अप्लाई कर पा रहे हैं फॉर्मूला ऑन अ पर्टिकुलर ऑटोमेटा

एलिमिनेशन मैथड ठीक है इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन जस्ट ना स्टेट एलिमिनेशन मेथड सो देखिए स्टेट एलिमिनेशन मेथड क्या होती है आपकी इन दिस अगेन कुछ स्टेप्स होती है यहां पर ठीक है कोई भी ऑटोमेटा अगर आपको दिया है उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है सो द फर्स्ट स्टेप इज Step one is first step key that is initial state initial state should not have initial state should not have any incoming edge. इनिशियल स्टेट शुड नॉट हैव एनी इनकमिंग एज ठीक है आपकी इनिशियल स्टेट पर कोई इनकमिंग एज नहीं होनी चाहिए अगर वह एग्जिस्ट कर रही है तो फिर आपको नई इनिशियल स्टेट बनाना है विथ नल ट्रांजेक्शन ठीक है सो इफ इनिशियल स्टेट शुड नॉट हैव एनी इनकमिंग एज इफ इट इज एग्जिस्ट ठीक है इफ इट इज एग्जिस्ट देन मैक देन मैक न्यू इनिशियल स्टेट ठीक है न्यू इनिशियल स्टेट विथ नल ट्रांजेक्शन वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहां पर मान लीजिए आपको लिखा है दैट इज क्यू वन ठीक है क्यू वन से आप क्यू टू स्टेट पर गए एंड क्यू टू से मान लीजिए आपका एक ट्रांजेक्शन क्यू वन पे आ रहा है यानी कि क्यू वन पर आपकी इनकमिंग एज दिख रही है सो तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है कोई भी इनकमिंग एज है क्यू वन के ऊपर सो तो उस केस में आपको क्या करना है एक नई इनिशियल स्टेट बना लेना है दैट न्यू इनिशियल स्टेट ठीक है और उस इनिशियल स्टेट से आप नल ट्रांजेक्शन से कहाँ पे चले जाएंगे ओल्ड इनिशियल स्टेट यानी कि क्यू जीरो क्यू वन पर इसके आगे आपने एक नई इनिशियल स्टेट लगा दी दैट इज दिस फिर क्यू टू स्टेट और क्यू टू से आप

इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज नहीं होनी चाहिए ऐसे फाइनल स्टेट पे कोई आउटगोइंग एज नहीं होनी चाहिए ठीक है सो स्टेप टू के लिए हम क्या लिखेंगे नॉट एनी आउट गोइंग स्टेज नॉट एनी आउट गोइंग नॉट एनी आउट गोइंग एज फोर फाइनल स्टेट नॉट एनी आउट गोइंग एज फ्रॉम फाइनल स्टेट ठीक है फाइनल स्टेट से कोई आउट गोइंग एज नहीं होनी चाहिए आपकी फाइनल स्टेट ठीक है इफ इट इज एग्जिस्ट देन मेक न्यू फाइनल विथ नल ठीक है विथ नल ट्रांजिशन

और इस फाइनल से एक नल ट्रांजेक्शन बनाना है और उस स्टेट को फाइनल कर देना है so, क्लियर है नाउ दैट इज ऑटोमेटा गॉट इट सो आपकी फाइनल स्टेट से आउट गोइंग इसलिए एक नई फाइनल स्टेट बनाई और जो ओल्ड फाइनल से उससे नल ट्रांजेक्शन कर दिया तो देखिए इफेक्ट चेंज नहीं होगा जो स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही थी वो डेफिनेटली नल मूव के साथ इस पे चली जाएगी और एक्सेप्ट हो जाएगी यानी स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होगी बट जस्ट आपको क्या करना है कि दो लॉजिक है आपका कि इनिशियल पे इनकमिंग नहीं होनी चाहिए और फाइनल से आउट नहीं होनी चाहिए अगर वो है तो आपको क्या करना है उसको नई इनिशियल या नई फाइनल स्टेट आपको बनानी पड़ेगी उसके गॉड एट नहीं वो फाइनल नहीं होगी ना अगर उसको फाइनल रख दिया तो फिर मतलब ही क्या निकला देखिए क्लोजर वोजर भूल जाइए अभी यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं देखिए इनडायरेक्टली तो वो भी फाइनल कहला रही है आपकी लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि exactly अभी जैसे एक से ज्यादा फाइनल भी हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम क्योंकि आपको ये फाइनल थी मान लीजिए ये सिंगल ए यहाँ एक्सेप्ट हो रहा था ठीक है मैंने बोल दिया ये ए इनपुट है सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा था तो सिंगल ए अभी भी एक्सेप्ट होगा यहाँ से नल के थ्रू फाइनल पे चला गया यानी अल्टीमेटली आप जब इसको रिमूव करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा लेकिन हम उसको इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फाइनल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए और इनिशियल से भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए क्लियर सो दैट इज जस्ट अ प्रोसीजर अब कैसे एग्जैक्टली डिजाइन होगा वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा अब मान लीजिए आपकी एक से ज्यादा फाइनल है तो उस केस में क्या करेंगे तो देखिए थर्ड स्टेप अगर एक से ज्यादा फाइनल है तो उस केस में आपको क्या करना है सारी फाइनल स्टेट से नल ट्रांजेक्शन से एक नई फाइनल स्टेट बना देना है ठीक है यानी इफ मोर देन वन फाइनल स्टेट इफ मोर देन वन फाइनल स्टेट देन देन कन्वर्ट इट इनटू सिंगल फाइनल कन्वर्ट इंटू सिंगल फाइनल स्टेट यूजिंग नल ठीक है सो मान लीजिए आपका इस टाइप से कोई है दैट इज ऑटोमेटा कुछ इनपुट से इस फाइनल पे जा रहे हैं आप कुछ इनपुट से यहां पे जा रहे हैं दैट इज दिस मान लीजिए ऑटोमेटा है सो यू जस्ट रिप्लेस दिस ऑटोमेटा बाय ठीक है स्टेट्स वो रहेगी एज इट इज मतलब उनको फाइनल नहीं रखना है आपको ये ध्यान रखें आप ठीक है दैट मस्ट बी नॉन फाइनल इन तीनों को नॉन फाइनल कर दिया और इन तीनों से नल ट्रांजेक्शन से आप एक कॉमन फाइनल स्टेट पर मूव कर जाएंगे क्लियर है अब डेफिनेटली उस कॉमन फाइनल स्टेट पे गए वहां से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपके जो इनपुट यहाँ एंड हो रहा था वो आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा यानी सेम इनपुट आपका एक्सेप्ट होगा दैट इज नॉट एन इशू क्लियर है सो so, अगर एक से ज्यादा फाइनल है तो आपको सारी फाइनल से नल ट्रांजेक्शन एक कॉमन फाइनल पे भेजना है

और हर एक स्टेट को क्या करना है एलिमिनेट करना है यानी कि डिलीट करना है और फिर क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं स्टेट एलिमिनेशन मैथड तो हर स्टेट को एलिमिनेट करेंगे डिलीट करेंगे और उसके थ्रू जो आपका एक्सप्रेशन है उसके पाथ को मेंटेन करना है तो देखिए क्या लिखेंगे हम अदर देन इनिशियल एंड फाइनल अदर देन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एलिमिनेट

देखिए सिंपल क्वेश्चन लिया हमने दैट ऑटोमेटा अगर मान लीजिए स्टेट है सिंगल ए ठीक है बी एंड फाइनल स्टेट ठीक है तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल इनिशियल पे कोई इनकमिंग नहीं होनी चाहिए कोई इनकमिंग नहीं दिख रही है हमें फाइनल से कोई आउट नहीं है ठीक है सो देर इज नॉट एनी आउट एज अब देखिए तो डायरेक्टली दिख रहा है एक्सप्रेशन क्या आने वाला है ए भी आने वाला है बट जस्ट फॉर द मैथड

दोनों बात को मेंटेन करते हुए लिख दिया आपने तो अब इनिशियल और फाइनल के बीच में एक ही एज है और उस एज पे जो एक्सप्रेशन है दैट इज द आंसर सो ए बी इज द राइट आंसर गॉट इट सो ए बी एक्सप्रेशन आपका बनेगा यहाँ पे गॉट इट अब मान लीजिए अगर मैंने इस टाइप से लिखा दैट इज दिस ए बी ठीक है एंड यहां पे अगर मान लीजिए आपने इनपुट लिख दिया व्हाटएवर दैट इज सी ठीक है सो इन दिस केस क्या होगा? अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। There is not any incoming to initial, there is not any outgoing from final, और एक्जेक्टली वन फाइनल है। सो so, इस स्टेट को आप डायरेक्टली क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि एक ही स्टेट है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है? That final is as it is। अब देखिए आपको पाथ कौन सा मेंटेन करना है? ये एज का थ्रू, इ और सी को मर्ज कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि ए से सी के बीच में एक लूप लगा है यानी कि कितनी भी बार आप इस बी को रीड कर सकते हैं या विदाउट रीडिंग डायरेक्टली ए सी के थ्रू आप कहा चले जा सकते हैं फाइनल पे तो आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर पाथ में हमने बोला ए और सी को मर्ज कर रहे हैं लेकिन बीच में आप क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ बी आ सकते हैं तो दैट इज ए बी स्टार सी ठीक है नंबर ऑफ बी आ सकते हैं दैट इज ऑप्शनल यानी विदाउट बी रीड करें आप डायरेक्टली फाइनल पे जा सकते हैं ए और सी के थ्रू सो so, इसलिए बी स्टार लिखा हमने गॉट इट तो ए बी स्टार दी दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन क्लियर है नाउ अब देखिए अगर आपको यहां पर क्वेश्चन दिया इस टाइप से लाइक like, यहां पर लिखता हूं मैं स्टेट दैट इज द ठीक है इनिशियल स्टेट जीरो इनपुट क्यू वन दैट इज फाइनल स्टेट वन इनपुट दैट इज ईयर अब देखिएगा यहां पर अगर आप देखेंस इनिशियल so पे इनकमिंग भी है और फाइनल से आउट गोइंग भी है आउट गोइंग है, है यानी कि पहली दोनों स्टेप सेटिसफाई नहीं हो रही है यानी एक नई इनिशियल स्टेट बनाना है आपको लाइक like हमने जस्ट क्यू स्टेट ले लिया दैट इज इनिशियल स्टेट ठीक है क्यू एंड इससे नल ट्रांजेक्शन से आप इस ओल्ड इनिशियल स्टेट पे आ गए ठीक है and that zero transaction and yahan se one transaction that is q1 state ab definitely q1 final hai aur final se out going hai yani ki ek nayi state banana hai with null transaction that goes to the final state to isko humne bol diya that is q f theek hai final state ab definitely ye final rahegi aapki ये initial है ठीक है इसको आपने non-initial कर दिया इसको non-final कर दिया ठीक है Exactly देखिए आपका structure जो है वो यहाँ पे maintain है आगे एक नल ट्रांजेक्शन लास्ट में अब आपके पास दो स्टेट है इन दोनों को एलिमिनेट करना है वन बाय वन क्योंकि इनिशियल फाइनल एज इट इज रहेगी देखिए किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं आप ठीक है लाइक अगर मान लीजिए मैं इस फर्स्ट क्यू जीरो को एलिमिनेट करता हूं दैट इज दिस सो क्यू जीरो को एलिमिनेट करने पे क्या होगा आपका देखिए दैट इनपुट इज वन अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि Q1 से Q0 के थ्रू क्या आ रहा है आपका एक पाथ आ रहा है तो देखिए इस टाइप का अगर कोई भी स्ट्रक्चर है आपका यानी जीरो और वन के बीच में ये एक लूप है जीरो वन का ठीक है जीरो से Q1 पे गए वन से Q0 पे फिर जीरो से Q1 वन पे वन जीरो का एक लूप है सो आपने ये स्टेट रिमूव कर दी यानी कि यू जस्ट मर्ज दिस पाथ दैट इज दिस यानी वन जीरो क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई एंड डेफिनेटली आपका नल आ रहा है ठीक है नल के थ्रू आप यहां पे जाएंगे फिर वन जीरो कितनी भी बार आप ले सकते हैं यानी यानी में null होना चाहिए किस टाइप से आएगा देखिए ये है आपका क्या क्या बना null, और फिर आप क्या बोल रहे हैं वन तो है अब आपको पाथ से मेंटेन करना है इस क्यू वन स्टेट से क्यू जीरो के थ्रू जो पाथ आ रहा है दैट इज वन जीरो जो पाथ है इट बिकम इन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि ये कहां पे जाने वाला है इस लूप पे सो so, ये स्टेट आपकी क्या बन जाएगी दैट इज दन जीरो डायरेक्टली वन जीरो लिख देंगे लूप का मतलब ही क्या है आपका स्टार सो so, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो यू जस्ट मर्ज दिस वन इंटू जीरो और उसका लूप लग जाएगा आपका यहां पे ठीक है गॉट इट सो दैट इज दिस अब हमें यहां पे ये जो नल था ठीक है इसको नल नहीं लिखना है अभी हमें देखिए, है दैट कंडीशन इज इन दिस केस आप क्या देखेंगे कि पहले आपको q से q1 का पाथ मेंटेन करना है ठीक है ये लूप तो ठीक है हमने लूप मेंटेन पहले कर लिया q से q1 कैसे जा रहे हैं आप null.0 यानी null.0 लिखना है ठीक है ये आपका डायरेक्ट था अब q1 के थ्रू आप कितनी भी बार q0 के थ्रू कहां आ रहे हैं आप q1 पे यानी कि पहला इनपुट तो 0 ही है आपका फिर 1010 कितनी भी बार आ सकता है आपका इन so केस आपने क्या बन दिया वन जीरो का लूप लगा दिया यहाँ पे देखिए जीरो मर्ज करना है ना देखिए लूप है एग्जैक्टली exactly ये क्या एक टाइप का लूप है? One, zero, आपका क्या एक लूप है क्योंकि आप देखिए स्ट्रिंग क्या है अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इनिशियली बोला स्ट्रिंग आपकी दैट इज जीरो वन जीरो ठीक है जीरो इस टाइप की स्ट्रिंग आ रही है आपकी व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न इज फॉलो दिस स्ट्रिंग देखिए फाइनल स्टेट अलग से हमने पहले प्रोसीजर लिखा तो है ठीक है हमने प्रोसीजर क्या लिखा फाइनल स्टेट पे अगर आपका कोई भी आउटगोइंग एज है फाइनल से आउटगोइंग एज थी आपकी इसलिए हमें एक न्यू फाइनल बनानी है और इनिशियल पे इनकमिंग एज थी इसलिए एक नई इनिशियल बनाई हमने क्लियर है दैट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टेट एलिमिनेशन मेथड

तो देखिए क्यू स्टेट एज इट इज ठीक है ये क्यू एफ एज इट इज दैट इज फाइनल इसको आप यहां से क्या ले रहे हैं दैट इज नल डॉट जीरो ऑलरेडी क्या बोल दिया आपने जीरो डॉट वन जीरो का लूप है यानी वन जीरो होल स्टार और ये नल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यानी अल्टीमेटली ये कन्वर्ट किस में हो गया जीरो होल स्टार दैट इज द एक्सप्रेशन ठीक है तो यहां से आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं इसको कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वन जीरो होल स्टार एक्सप्रेशन बन रहा है Got it. फाइनल स्टेट क्यों बनाई हमने अलग से प्रोसीजर इनिशियल पे कोई इनकमिंग नहीं फाइनल से कोई आउट गोइंग नहीं फिर नल्क क्यों रिमूव कर दी क्या सर फिर नहीं आई आपकी क्या बोले सर फाइनल एक्सप्रेशन से फिर नल, नल को क्यों रिमूव किया नल तो मुल... नल तो मल्टीप्लिकेशन में है ना नल का मल्टीप्लाई किसी भी एक्सप्रेशन के साथ करें वही एक्सप्रेशन वॉट इट देखिए एक्चुअली ये नल आपका ओरिजिनल ऑटोमेटा में कहीं नल था क्या ओरिजिनल ऑटोमेटा में कहीं भी नल नहीं है ये नल तो हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया था और वो इनपुट की पाथ के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी एक्सप्रेशन में नल का मल्टीप्लीकेशन दिजिबल देखिये ओके जीरो वन जीरो का लुक समझ में नहीं आ रहा है देखिए एक बार और समझते हैं हम इसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं ये जीरो दो बार नहीं आ रहा है एक तो आप डेफिनेटली देखिए सिंगल जीरो की अगर हम बात करें यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे सिंगल जीरो आपका एक्सेप्ट हो रहा है ठीक है आपने जब ये पाथ मेंटेन किया है यहाँ से इस नल को इस लूप को भूल जाइए अभी मान लीजिए ये वन का ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पे ठीक है अगर हम एज्यूम करें कि दैट इज नॉट एनी ऑफ तो आप क्या बोलते हैं कि नल और जीरो को मल्टीप्लाई किया तो नल जीरो से डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे Q1 पे यानी अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ तो नल और जीरो से कहा चले गए आप डायरेक्ट क्यू वन पे ठीक है तो ये बात तो डायरेक्ट मेंटेन हो गया बट अगर आपका ये अगर इनपुट नहीं है तो आपका सिर्फ इतना बनता है और लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है लेकिन आपका ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इनडायरेक्टली लूप ठीक है ये इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है ये लूप आपका अगर इसी साइकिल में घूमता रहा तो ठीक है तो हमने क्या बोला जब क्यू जीरो हट चुका है तो ये वन का आपको इसका पाथ भी तो मेंटेन करना पड़ेगा इस वन का ये वन कहाँ आ रहा है ये क्यू जीरो पे जा रहा था और क्यू जीरो के साथ एक इनपुट के साथ फिर कहाँ आ रहा था क्यू वन पे आ रहा था यानी कि इसका पाथ भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा दैट इज वन जीरो क्यू क्यू वन से स्टार्ट होके क्यू जीरो पे एंड हो रहा था अब डेफिनेटली क्यू जीरो तो आपने एलिमिनेट कर दी तो वो किस इनपुट के साथ मर्ज होगा तो इससे जाने वाले पाथ के साथ मर्ज होगा तो इससे जाने वाला पाथ कौन सा है, zero, जो Q1 हो रहा है इसलिए ये हो क्या हो गया वन जीरो इट क्योंकि पाथ सारे हैं आपको देखिए अभी एक और एग्जाम एक दो एग्जाम्पल और करेंगे हम इससे समझ में आएगा आपको देखिए

ठीक है सो दैट इज द ऑटोमेटा क्लियर है इनिशियल से आपने नई इनिशियल बना दी बिकॉज इनिशियल पे इनकमिंग थी अब आपको क्या करना है देखिए दो स्टेट है आपकी ए एंड बी एक इनिशियल एक फाइनल उसे मेंटेन रखेंगे अब आप स्टेट को एलिमिनेट करेंगे तो देखिए फर्स्ट स्टेट ए को एलिमिनेट किया अब देखिए अगेन सेम पाथ सेम प्रोसीजर है आपका पहले तो आपको ये एज को क्या करना है इस पाथ को मेंटेन करना है तो ये एज ए के थ्रू कहां पे जा रही है दैट इज बी यानी कि पे ए पे आए और ए के बाद बी पे किस इनपुट के साथ जा रहे हैं बी के साथ यानी ये नल जो है ये वाला जो इनपुट है आपका ए की सारी आउट गोइंग एज के साथ मर्ज होने वाला है तो ए की एक ही आउट गोइंग एज है दैट इज बी यानी कि नल डॉट बी नल डॉट बी इसलिए लिख रहे हैं हम फाइनली नल तो रिमूव होना ही है आपका क्योंकि नल का कोई मीनिंग नहीं है सो दैट इज दिस ये बी यहां पे आ गया नल डॉट बी तो बी बचेगा ठीक है ये बी स्टेट पे चले गए तो आपने ये पाथ तो मेंटेन कर लिया अब देखिए बी पे सी का लूप है ये एज इट इज रहेगा ये डी ये एज इट इज इधर वाले डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है अभी आपका जस्ट आपने ए को एलिमिनेट किया है अब अगेन ए एंड बी देखिए एग्जैक्टली वही ट्रांजेक्शन क्या बनेगा ए बी को मर्ज कर देना है आपको सो दैट इज ए बी ए बी का लूप क्लियर है क्योंकि अब ये वाला पाथ मेंटेन करना है जो ऐसे आउटगोइंग एजेस को भी मेंटेन करना है और ऐसे इनकमिंग को भी तो आउटगोइंग वाली बी को तो हमने इधर यूज कर लिया अब ए पे इनकमिंग कौन सी थी आपकी दैट इज सिंगल ए अब डेफिनेटली ये किस डायरेक्शन में जाएगा तो अगेन ये इसकी आउटगोइंग जिस स्टेट पे जा रहा है उसके साथ मर्ज करेगा सो दैट पाथ इज बी टू बी दैट इज ए बी तो ए बी का लूप लग गया गॉट इट एंड डी के साथ यहाँ चले गए नाउ अब इसको एलिमिनेट कर आए सो q0 ठीक है दैट इज सी अब यहाँ से नल डॉट बी क्या बचा आपका बी बी और यहाँ पे दो लूप लगे हुए हैं तो देखिए दो लूप का मतलब क्या है और वाली कंडीशन या तो आप बी और सी को रीड करके डी के थ्रू फाइनल पे जा सकते हैं या बी और ए बी को रीड करके डी के थ्रू फाइनल पे जा सकते हैं या सी और ए बी की कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं आप यानी ये सी प्लस ए बी हो गया आपका सी प्लस ए बी दो अलग अलग है उन दोनों का लूप है दैट होल स्टार डी सो द्रेशन बी इन सी प्लस ए बी होल समझ में आया कैसे बनाई ठीक है ज्यादा डिफरेंस नहीं था प्रीवियस और इसमें बस अभी हमें क्या किया ऑलरेडी कि एक इनपुट दे दिया और यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लूप लगा रखा है तो कितने भी लूप लगे हों हमें क्लियर है की अगर एक स्टेट पे अगर फाइव लूप है तो पांचों के इनपुट को एड करना है और होल स्टार बनाना है आपको so So, ये होल स्टार बन गया यहाँ पे सारे इनपुट को ऐड करके होल स्टार बना दिया हमने ठीक है चलिए नाउ अगर मान लीजिए आपने यहां पे वन मोर इसके लिए ट्राई करिए दैट स्टेट क्यू जीरो ठीक है दैट इज द फाइनल स्टेट इनपुट जीरो वन बी ठीक है दैट इज द वन इनपुट एंड जीरो क्लियर नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए तो देखिए आपकी इनिशियल और फाइनल सेम स्टेट है सो अकॉर्डिंग टू इनिशियल इस पे इनकमिंग एज भी है और अकॉर्डिंग टू फाइनलोइंग एज भी है यानी आपको एक इनिशियल और एक फाइनल अलग से बनानी पड़ेगी दैट क्यू इनिशियल स्टेट हमने बोल दिया दैट इज दिस दैट इज क्यू जीरो और एक नई फाइनल स्टेट लिख दिया हमने दैट इज क्यू एफ ये नल ट्रांजेक्शन ये नल ट्रांजेक्शन और इसका जो पाथ है वो एज इट इज रखेंगे आप वन उट गोइंग एज भी है, और भी है. आपने दो स्टेट बनाई अब देखिये आपके पास दो स्टेट है एलिमिनेशन के लिए एक तो बी और एक क्यू जीरो अब हम कौन से स्टेट को पहले एलिमिनेट करें देखिए बी को हम Q0 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और B को भी कर सकते हैं एनी ऑर्डर में आ सकता है ठीक है लेकिन B को एलिमिनेट करना इजी दिख रहा है हमें क्योंकि यहां से पाथ मेंटेन करना आपका इजी है Q0 को अगर आपने एलिमिनेट किया तो आपको कितने डायरेक्शन का पाथ मेंटेन करना है एक तो ये वाला एक ये वाला और एक बी पे जाने वाला पाथ ठीक है यानी कि दैट इज सम कॉम्प्लिकेशन सो पहले आप क्या करें ट्राई करें कि हम बी को एलिमिनेट करें तो देखिए इधर वाला स्ट्रक्चर एज इट इज इज बना दिया हमने दैट नल ठीक है? स्ट्रक्चर एज इज बना दिया हमने. Now, अब बी को डिलीट किया हमने बी को एलिमिनेट किया तो बी से पाथ मेंटेन करना है आपको तो देखिए अब यहां पे अगर आप देखें सो इन दिस केस हम क्या बोल रहे हैं? ये जीरो का लूप तो एज इज है बी पर जाने वाली एज है क्या है यस करेक्ट जीरो वन जीरो स्टार आई थिंक डिफरेंस है थोड़ा सा देखते हैं क्रॉस चेक करते हैं वन जीरो स्टार ठीक है एंड वन अब देखिए बी पे जाने वाला पाथ क्योंकि बी को एलिमिनेट किया आपने तो डेफिनेटली यहां से जो पाथ है क्यू जीरो से वन इनपुट के साथ बी पे जा रहे हैं फिर नंबर ऑफ जीरो रीड कर रहे हैं और फिर वन के थ्रू कहा आ रहे हैं आप क्यू जीरो पे आ रहे हैं यानी कि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वन जीरो स्टार वन गॉट इट देखिए ये पूरा पाथ मेंटेन करना है आपको दैट दिस साइकिल सो so, अगर ये लूप नहीं होता तो जस्ट वन वन का लूप लगा देते हैं आप लेकिन यहाँ जीरो का लूप भी है यानी कि इस वन से बी पे गए फिर नंबर ऑफ जीरो अब आपको क्या करना है दैट स्टेट को एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं है सो so, यहां से नल इनपुट है इधर भी नल है यानी जस्ट आपको इन दोनों को एड करना है जीरो ठीक है प्लस वन जीरो स्टार वन होल स्टार क्लियर है zero plus one zero star one होल स्टार अब देखिए जरूरी है नहीं है कि आपका जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली exactly वही एक्सप्रेशन आपका मतलब जो ऑप्शन में हो ठीक है क्योंकि वो सी बार क्या होता है आपका हम बोलते हैं नंबर ऑफ आइडेंटिटी रूल से हो सकता है कि ऑप्शन में उसने घुमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनपुट ऐड करके थोड़ा लार्ज बना दिया हो या फिर कॉमन लेके उसको शॉर्ट कर दिया हो ठीक है सो so डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका आंसर जो आएगा तो वो ऑप्शन से नियरेस्ट तो होगा या फिर आप उसके क्रॉस से क्या करेंगे इनपुट लेके उसमें दोनों को मैच कर लेंगे कि कौन सा उससे एग्जैक्टली exactly मैच कर रहा है ठीक है वैसे तो हंड्रेड परसेंट आपका सेम ही आता है क्योंकि आप मेथड से जो आंसर निकालेंगे वही ऑप्शन में आपको एक्जेक्टली exactly दिखेगा क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्ट एक्सप्रेशन ही डिजाइन कर रहे हैं तो जीरो प्लस वन जीरो स्टार वन होल स्टार दैट इज द चलिए ठीक है सो so, आज के लिए इतना काफी है फिर इसपे और क्वेश्चंस मतलब अभी हम देखेंगे स्टेट एलिमिनेशन फिर अब गेट में किस टाइप से इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं गेट पे और डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको ठीक है हमने दोनों मैथड देख लिए, लेकिन 90% परसेंट क्वेश्चन में हम एक भी मेथड यूज नहीं करने वाले क्लियर है लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मैथड लगेगी ओके okay, अनिमेश देखते हैं हम आपका डाउट क्या था दैट इज दिस आई थिंक बताइए आप माइक ओपन करिए क्या डाउट क्या पूछना चाहते हैं आप सर इसमें Q1, Q2, Q4 और Q1 Q2 Q4 टू क्यू फोर को मर्ज क्यों करा है क्यों नहीं करा है ओके देखिए रीजन इज दैट यहाँ पर आप मर्ज के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक इनपुट के लिए वो दोनों स्टेट सेम सेट पे जानी चाहिए तो ए yes, इनपुट के लिए ये फाइव पे जा रहा है ठीक है और बी इनपुट के लिए Q1, Q2, A इनपुट के लिए कहा जा रहा है थ्री जीरो पे तो क्या फाइव और थ्री जीरो एक स्टेट में है क्या एक सेट में है क्या सर अरे फाइव और थ्री जीरो अलग अलग सेट में है ना थ्री जीरो ऑलरेडी किसके साथ देखिए इसके लिए आपको हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो पहले हमने नॉन फाइनल पे वर्क कर लिया था ठीक है उसके बाद हम फाइनल पे आए थे तो पहले तो आपको यह समझना है कि क्यू जीरो क्यू थ्री क्यू जीरो और फाइव ये तीनों नॉन फाइनल है तो क्या ये तीनों मर्ज हो रही है आपस में तो Q0, Q3, Q0 Q3, तो मर्ज हो रही है क्योंकि सेम exactly है गॉट इट यस सर फाइव मर्ज नहीं हो merge क्यों नहीं होगी होगी फाइव फाइव मर्ज क्यों क्योंकि नॉन नॉन फाइनल फाइनल है पर जा रही है किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग और ये दोनों फाइनल पे जा रही है तो ये अलग सेट में चली गई और ये दोनों अलग सेट में चली गई अब जब दो अलग स्टेट आपकी इन दोनों स्टेट पर जा रही है तो डेफिनेटली ये भले ही नॉन फाइनल है लेकिन अलग अलग सेट को बिलोंग कर रही है Got it? Yes, sir. Yeah, sir. Q30, दोनों अलग अलग सेट को बिलोंग कर रही है उसको मर्ज नहीं किया यस सर क्लियो चलिए यस उज्वल प्लीज प्रीवियस क्लास का पी डी एफ सेंड कर ठीक है ओके ये दोनों का मैं एक साथ सेंड कर देता हूँ आपको कल का और आज की क्लास का ठीक है टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा ओके ठीक है बाय गुड डे